मुसलमानी है, मुसलमानी है। लॉबिया होगी सिकनी, अब अगर इसकी तरफ किसी ने आंख भी उठाई ना, भाई गुरु जी गर्दन उखाड़ दूंगा। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। मुझे मेरे बच्चे को उसकी माँ से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। क्या 20 साल बाद आ रहा है सनी देओल अभिनीत गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल? क्या मिल पाएगा उतना ही प्यार दर्शकों द्वारा इस सीक्वल को? और कितना उचित होगा गदर के इर्द गिर्द घूम रही दूसरी कहानी का निर्माण करना? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साल 2001 में बनी फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने करोड़ों दर्शकों के दिल में जगह बना ली थी। फिल्म को इतना प्यार मिलते देख निर्माताओं ने सोचा तो जरूर होगा कि इसका सीक्वल बनाया जाए, पर इस पर अमल करने में उन्हें 20 साल लग गए। फैंस ने भी गदर जहां तारा सिंह बने सनी देओल व अभिनेत्री अमीषा पटेल के सकीना नामक हीरोइन के किरदार को बहुत ही ज्यादा सराहाया था। आपको बता दें कि साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर को 17 करोड़ लोगों ने देखा था। इस फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा हैं और आपको बता दें कि फिल्म का निर्माण किया है नितिन कैनी ने। फिल्म के 20 साल के बाद अनिल शर्मा ने फाइनली ये फैसला किया है कि गदर का भी एक सीक्वल आना चाहिए। वैसे तो हर फिल्म के सीक्वल में अक्सर किरदार बदल दिए जाते हैं, मगर अनिल शर्मा ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि सभी किरदार वही हो ताकि दर्शकों को फिल्म के सेकेंड पार्ट भी उतना ही मनोरंजक लगे और उससे उतना ही प्यार हो जितना पहले पार्ट से हुआ था। गदर एक प्रेम कथा की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगे फसाद से शुरू होती है। इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाता रहता है और साथ ही साथ इसी दौरान वो अपने पिछले समय को याद करता रहता है जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की लड़ाइयों व झगड़ों को दर्शाती है। सकीना और तारा इसी दौरान एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं, जो कि सकीना के पिता बने अमरीश पुरी के मंजूरी के खिलाफ होती है। आगे चलकर किसी कारणवश तारा और उसके बेटे को पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से अंदर आना पड़ता है। फिर कहानी ढेर सारे मोड़ लेती है और अंत में एक अच्छे परिवार की तरह आखिरकार सकीना के पिता उसके पति व बेटे को अपना लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों भारत लौट जाते हैं। इसके बाद ये देखना बहुत ही रोमांचक होगा कि कैसे बढ़ती है आगे गदर की कहानी। भारत लौट चुके तारा और सकीना की जिंदगी में आ जाती है एक नई मुसीबत, जिसका फिर से सामना करने के लिए अटल भाव से खड़े हो जाते हैं तारा। बेटे जीत की शादी की उम्र में उसने अपने पिता की ही तरह कॉलेज में किसी हस्ती के साथ बनाया कोई कनेक्शन या नहीं, ये तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बॉलीग्राज स्टूडियोज की रिपोर्ट के अनुसार निर्देशक अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था, वैसे तो कोई भी कहानी गदर 2 के सीक्वल बनाने के काबिल नहीं मिली, पर फिर भी उनकी और फिल्म की पूरी टीम की तरफ से भरपूर काम जारी था। हमारे साथ दर्शकों का भी यही मानना था कि फिल्म को एक सीक्वल के अंदाज देकर और उसमें पेश करके ये अवश्य ही दिखाना चाहिए कि भारत में आने के बाद कैसा रहा तारा सकीना और जीत का जीवन। डायरेक्टर शर्मा के अनुसार तो ये फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान की पृष्ठभूमि के साथ ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसके बिना तो ये अधूरी होगी। प्रोडक्शन हाउस के एक मेंबर ने ये खुलासा किया है कि फिल्म के बारे में जितना हो उतना ही कम जानकारी साझा की जाएगी। कोशिश की जा रही है कि सभी सदस्य पिछली फिल्म गदर की ही तरह सेम हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले पार्ट में अमरीश पुरी व लिलेट दुबे भी थी। इस फिल्म को सिर्फ 17 करोड़ लोगों ने देखा ही नहीं, बल्कि 2001 की इसकी कमाई 256 करोड़ रुपीस थी। आशाएं बहुत हैं कि गदर की ही तरह इसका सीक्वल भी फिल्म इंडस्ट्री में चकाचौंध फैला देगा।
20 साल बाद भी उतना ही क्रेज हासिल कर पाना बहुत ही बड़ी बात होती है, पर फिल्म पर काम तो शुरू हो गया है। अब बस इंतजार है तो ये देखने का कि किस तरह प्रभावित करती है गदर पार्ट 2। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम जल्द ही लेकर आएंगे इसी तरह और भी शानदार खबरें, और उसे जानने के लिए इंतजार करें हमारी अगली वीडियो का। और अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है भूमिका त्रिपाठी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।